बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इंडस्ट्री में अलग और लीक से हटकर फिल्में करने के लिए मशहूर हैं और वो अब सिनेमाघरों में फिल्म अनेक से लोगों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये फिल्म 27 मई को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का ट्रेलर भी आउट हो चुका है। ऐसे में आप इस फिल्म से क्या उम्मीदें रख सकते हैं, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता गुप्ता और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्में। वेल, बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म अनेक का ट्रेलर आउट हो चुका है। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि आयुष्मान खुराना जिस भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं वो उसमें घुस जाते हैं और कुछ ऐसी ही एक्टिंग आयुष्मान इस फिल्म में भी करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि आयुष्मान जोशुआ नाम के एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं और इसमें उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ साथ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इस फिल्म के ट्रेलर की, तो ये एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी इंट्रिगिंग है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोगों की समस्या बताई गई है। किस तरह से लोग नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भारतीयों को चाइनीज और नेपाली कहकर उनका मजाक बनाते हैं, इसके बारे में भी इस फिल्म में बताया गया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद जो सबसे खास बात लगी वो ये थी कि इस फिल्म में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को मौका दिया गया है। साथ ही ट्रेलर देखने के बाद ये माना जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है वो इससे दूर हो सकती है। ये फिल्म 27 मई को रिलीज होगी। अगर हम इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है, साथ ही वो इस फिल्म के राइटर भी हैं। आपको बता दें कि अनुभव सिन्हा इस तरह के देश के गंभीर मुद्दों को फिल्मी पर्दे पर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 15, मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। वेल, अनेक के ट्रेलर को देखने के बाद ये ट्रेलर आपको कैसी लगी, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।